एवरीवन, दिस इज योर सुरुचिरा। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन और बाइस बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट द सेवन। का नाम है गैलेंट। इज गैलेंट मींस जो हमें एक बार याद हो गया वो हो गया। तो पहला क्वेश्चन के अंदर है दी फायर प्लानो फोन फैमिली गिल हाउस। इसके अंदर फैमिली गिल हाउस है, उसका प्लान है। इसके अंदर हमें ये सुनना है एंड देन लिखना है। तो ये लिसनिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार इनको रीड कर देती हूँ। उअर साइट के अंदर है फ्यूमसेन बिस आक्सेन उअर। ऑट के अंदर स्पोर्ट हाले इन देयर ग्रुंड शूलर। उसके बाद वन के अंदर है वॉकन अंडर जैमस्टाग प्लस जोनटाग। उसके बाद उअर साइट यहाँ पे एस ए लिखा है। एस ए जैमस्टाग की शॉर्ट फॉर्म है। तो जैमस्टाग सेन हुआ बिस आग सेन हुआ। और उसके बाद जोनटाग सेन हुआ बिस त्राइट सेन हुआ। नेक्स्ट इश वाले थर्ड पार्ट के अंदर है पहला अनफेंगर एंड वन के अंदर है डोनस्टाग बिस जोनटाग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्वेश्चन है हमारा लेजन जी द ईमेल फोन क्लारा उन मारिया। उसके बाद इसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क करने हैं। तो सबसे पहले ईमेल क्लारा ने लिखा है मारिया को। उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि उसने रिसेंटली जुम्बा कोर्स ज्वाइन किया बिगनर्स के लिए। फर्स्ट लाइन के अंदर ये मतलब है। उसके देन वो कहते हैं कि वो हमेशा से स्पोर्ट्स करना चाहती थी। उसके नेक्स्ट यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि उसकी क्लास हर हफ्ते 4 दिन होती है और हर दिन 1 घंटे के लिए होती है। और ट्रेनिंग के अंदर जो उनका ट्रेनर है वो सबसे पहले इनको हर एक चीज़ दिखाता है, देन उनको खुद करना होता है प्रैक्टिस। उसके नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है इश फ्यूले मिश श्योन फ्यू फिट है। इस लाइन का ये मतलब है कि अब वो खुद को पहले से काफ़ी फिट महसूस करने लगी है और म्यूज़िक भी काफ़ी औसम होता है। उसके बाद इसके अंदर यह है कि उसने एक सीडी भी ख़रीद लिया जिसको वो घर पे सुनती है और कभी कभी सीडी के साथ ही गाना बजा के वो डांस करती है। और कब करती है? जब उसके घर पे कोई ना हो। नीमान में स्नो वन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो कहती है कि कोर्स जो है वो काफ़ी स्पीड से ख़त्म हो रहा है, ये अच्छी बात उसको थोड़ी नहीं लगी। एंड इम याप्स यानी ऑटम, और ऑटम के अंदर ये उसको और बेटर करना चाहती है लेकिन वो सिर्फ हर हफ्ते में एक ही बार कर पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाज टू ऑक्लूस्ट, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हारा भी इन सब में इंटरेस्ट थोड़ा लो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछती है वी वार देन डाइन माल कोर्स मीन्स तुम्हारा पेंटिंग कोर्स कैसा है। माल कोर्स मीन्स पेंटिंग कोर्स। उसके बाद श्राइबाल्ड लीबर क्रूजर। उसके बाद सेकेंड हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर जो भी मार्क करने का काम है वो करेंगे। तो इसके अंदर अब मारिया लिखती है क्लारा को कि जुम्बा जो है वो काफ़ी औसम लगता है लेकिन मेरे लिए ये बहुत जल्दी होगा कि मैं जुम्बा ट्राई करूँ क्योंकि मेरे को लगता है अभी थोड़ा मेरे बस की नहीं है। एंड माइन माइल कोर्स जो उसका माइल कोर्स है वो टोस्काना के अंदर होता है, वो काफ़ी एंटस्पांट मीन्स रिलैक्सिंग और अच्छा है। अब लाइडर निजो इंटरेस्टिंग, लेकिन ये इसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता बिकॉज कभी उसके अंदर नई चीज़ें कभी कभी वो नहीं सिखाते, ज़्यादातर पुरानी ड्राइंग वही सिखाते रहते हैं ना। जो कि उसकी कोर्स लाइटरिन मीन्स कोर्स लीडर है वो आती है, उन सबको फोटोज़ दिखाती है, उसके बाद एक्सप्लेन करती है कि इसमें ये कलर की यूज़ किया, इसमें ऐसे शेड करना है एंड देन बस बता देती है। और उसके बाद लेकिन ये दिक्कत है उसको कि ये जो उनकी टीचर और लीडर है ये इनको एक्सप्लेन ही नहीं करती कि साथ के साथ जब वो ड्रॉ कर रहे होते हैं रियलिटी में तब उनकी कोई हेल्प नहीं करती। उसके बाद इस लाइन का मतलब है कि लेकिन हम सब जो है वो काफ़ी अच्छे से समझते हैं एक साथ और काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि पार्टिसिपेट जब एक साथ सारे करते हैं तो काफ़ी इंटरेक्टिव सा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन का मतलब यह है कि हम जो है म्यूशन के अंदर एक बार मिलते हैं एंड देन हम साथ में आउस्टेलुंग बेजुकन मीन्स एग्जीबिशन देखने जाते हैं। हमने ये दोनों के पढ़ लिए, अब इसके अंदर पॉजिटिव मार्क करते हैं। तो पहले के अंदर पॉजिटिव लाइन क्या क्या हुई, यहाँ पे इश फ्यूला मिश ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद दी म्यूजिक इज आउट ऑल ये भी पॉजिटिव हो गया। और इसके अंदर नेगेटिव क्या है, देयर कोर्स वार फील्ड सूश नेल फॉर बाय, ये क्या हो गया नेगेटिव कि कोर्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। इसके अंदर माइन माल कोर्स इन देयर टुस्काना वाजियर एंड शमांट, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया।
नेक्स्ट है निस्ट जो इंटरेसेंट, ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट इश हाबे निश्ट फील नॉइस गैलेंट, ये भी नेगेटिव है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे वी आर टाइलनेमर हाबन उन्स आले गुड फर्स्ट एन उन हार्ट एंड फील्स पास, ये क्या पॉजिटिव हो गया। तो इसके अंदर यही है। उसके हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पार्ट के अंदर है कि हमें मैच करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस क्लारा के लिए, कौन सा मारिया के लिए। तो इसके अंदर जो भी क्लारा के लिए होगा उसके लिए हम सी यूज़ करेंगे और दूसरे के लिए एम। तो पहले दिया कोर्स फोन डैश वार्निश्ड बेजोंडर कोट, किसका कोर्स उतना अच्छा नहीं था, मारिया का। नेक्स्ट है क्लारा यूप्ड आउट टू हाउजर, मीन्स क्लारा जो है वो घर पे भी प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट क्लारा मार्क्ड बाल्ट नो काइंड ऑफ कोर्स, क्लारा जल्दी एक और कोर्स लेगी। नेक्स्ट है मारिया हार्ट नेते लॉयटर कैनन गैलियन, मीन्स मारिया नए नए लोगों के साथ मिलती है। मारिया वार्निश जू फ्रीडन मिद्या लैरिन, मीन्स मारिया जो है वो अपनी टीचर के साथ इतनी फ्रेंडली नहीं है। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे क्लारा फ्यूल्स देश नाक देम कोर्स बेटर, मीन्स क्लारा अपने कोर्स के बाद काफ़ी अच्छा फील करती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किन पेज के अंदर है वी मान कंश प्रखन लानन, मीन्स कोई भी एक लैंग्वेज कैसे सीख सकता है, इसके अंदर हम माइंड मैप फील कर रहे हैं। तो पहला है कि मिट वेल्शन मीडियन, मीन्स किन किन तरीक़ों से हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सबसे पहला मिटाइना बुक, एक बुक की मदद से। मिटाइना सीडी, सीडी की मदद से। मिटाइना डीवीडी, डीवीडी की मदद से। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, मिटाइना वाइट बोर्ड, मिडियम कंप्यूटर, इन सब की मदद से। नेक्स्ट है वो, मीन्स कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। अंदर यूनी, मीन्स यूनिवर्सिटी से। इनाइनम इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से। सुहाउजर, मीन्स घर पे सेल्फ स्टडी करके। इनाइनम कोर्स, मीन्स एक कोर्स ज्वाइन करके। इंडिया शूला, मीन्स स्कूल के अंदर। नेक्स्ट इंडिया फोक हॉक शूला, मीन्स ऐसे स्कूल जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करवाते हैं, ऐसे कुछ लैंग्वेज स्कूलों में। नेक्स्ट है मिट वे, किसके साथ सीख सकते हैं। तो मिट आइन अ लहरर और द लहरर इट, मीन्स टीचर के साथ। मिट देन एल्टन, पेरेंट्स के साथ। मिट फ्रेंडन, फ्रेंड्स के साथ। मिट आइन अ टैंडम पार्टनर, इसका मतलब यह है कि टैंडम पार्टनर के साथ। ये एक टाइप ऑफ ऐप होता है जिसके थ्रू लैंग्वेज लर्नर फ्रेंड्स ऑनलाइन कनेक्ट होकर आपस में पढ़ सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम पे ये इतना यूज़फुल नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन उन वी ऑफ, मतलब कब और कितना ऑफन पढ़ना चाहिए। तो ये एक्चुअली फिक्स नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ सकते हो। जैसे द्राय माल इन देयर वॉक, मीन्स पर वीक तीन दिन। ये देन मिट वॉक उन फ्राइटग, मीन्स हर वेडनेसडे और फ्राइडे। इन देयर फायर ओ द ये देन आबंद, मीन्स जब भी छुट्टी पड़े उस दिन, या फिर हर रोज़ शाम को पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें ये सारे ऑप्शंस जो है 1, 2, 3, 4 गिवन है, ये सारे पढ़ने हैं और बताना है कि एग्ज़ाम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हो। जैसा पहला है जी हाबन नूअर वेनिसाइट, मीन्स तुम्हें जो है कम टाइम मिलता है, इसको अपने अकॉर्डिंग टिक करना है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं भरा। जी डेंकन फील अनंदरस, मीन्स जब भी एग्ज़ाम आए तो दूसरे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ये मान रूफ जी अन, मीन्स किसी का कॉल आने लगता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो कोई भी। नेक्स्ट जी हैपन वेनिश गेस्ट लाफ्ट, मतलब मेरे को उनसे नींद पूरी नहीं हुई। एस इज लाउड, आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जी हैपन हुंगर, मीन्स भूख लगी है तुम्हें। जी हैपन काइनन साइट प्लान, मीन्स तुम्हारा कोई टाइम टेबल है ही नहीं, तो इस वजह से तुम पढ़ नहीं पाते एग्ज़ाम के वक्त। तो इसमें से जो आपकी प्रॉब्लम है वो टिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। अब हम अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी पार्ट है सी डी से करने वाला, तो मैं इसके आंसर से एक बार रीड कर देती हूँ। क्लाउडियो का है कान निस्ट मेयर श्लाफन एंड फील अ प्रोफ्यूंगर। नेक्स्ट एमली का है एंग्स्ट फॉर म्यूनलिश प्रोफ्यूंगर। थर्ड वाले का इम फेल्ट FELT, ये थोड़ा ई जैसा लग रहा है। इम फेल्ट फील स्टॉफ एयर फर्स्ट एड निस्ट आलेस, आई होप सो ये समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सारा एक्टिविटी बेस्ड है, तो चाहो तो कर सकते हो किसी भी अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है अर्गेंजन जी देन और द वाइल, इसके अंदर हमें देन या फिर वाइल फिल करना है। अब क्वेश्चन आता है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो देन एंड वाइल दोनों का मतलब होता है बिकॉज।
अब क्वेश्चन आता है, अगर दोनों का मतलब बिकॉज है तो हम डिफरेंस कैसे समझे? तो जब भी हम वाइल यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाता है, और जब भी हम देन यूज़ करते हैं तो हमारा वर्ब जो मेन वाला है वो एंड पे नहीं जाता है। एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, स्वेन लियान सू वेनिश, इसके अंदर स्वेन ने बहुत कम याद किया है। इसके अंदर मेन वर्ब देखो एंड पे है, यानी कि वाइल आएगा, वाइल एयरली पर फ्रेंड ट्रिफ्ट, क्योंकि उसको दोस्तों के साथ मिलना ज़्यादा पसंद है। और साथ में हमें पिक्चर से भी मैच करना है, तो ये सी पिक्चर के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके के लिए इजी स्टडी मटेरियल के लिए आप जर्मन किताब सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ सेकेंड है, एयर कॉन्जेशनिस्ट कॉन्जेंटियरन, मीन्स ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। इसके अंदर देखो हम मेन वर्ब गेट रूम का नहीं हाथ है, हाथ अपनी जगह पर यानी कि यहाँ पर देन आएगा, तो एयर कॉन्जेशनिस्ट कॉन्जेंटियरन देन एयर हार्ट सू फील काफी गेट रूम कर, वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी ली। नेक्स्ट है ज्वेन हार्ट प्रॉब्लम, ज्वेन को प्रॉब्लम हो रही है, देन एयर हार्ट काइनन लैन प्लान के मार्क्ट, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि उसका कोई टाइम टेबल उसने बना ही नहीं रखा कि उसको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो ये ई पिक्चर के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है एंडलिश लैन ज्वेन गांस फील, पहले ज्वेन ने काफ़ी सारी पढ़ाई की, क्यों पढ़ाई की? वाइल मॉगन दी प्रूफूंगिस्ट, क्योंकि कल एग्जाम है, यहाँ पे इस मेन वर्ब एंड पे है तो इसलिए हमने वाइल फिल किया। नेक्स्ट है एयर हार्ट काइनो गुटे नोटन बे कॉमन, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, नोटन मीन्स ग्रेट, क्योंकि देन हमने क्यों फिल किया? क्योंकि हमारा मेन वर्ब यहीं पे है हार्ट, देन एयर हार्ट सू वेनिश के लिए अंत, क्योंकि उसने बहुत कम याद किया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी पाते हैं वास पास सू इनन, इसके अंदर क्या मैच होगा ये हमें लिखना है, तो इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, तो मैंने जो जो लिखा है वो चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कुछ अपना अलग से भी लिख सकते हो। इश कान मिश मांश मांश लेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मैं कभी कभी बहुत बुरा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ वाइल, क्योंकि, तो इसके अंदर एक बात याद रखना, जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे उसका मेन वर्ब एंड पे जाना चाहिए। तो मैंने सेंटेंस बनाया इश निश्ट के श्लाफन हाबन, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इसके अलावा और भी लिख सकते हो इश का इनसाइट प्लान हाबन, मीन्स मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं था इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसी तरह भी पाते आबन स्कान नेस्ट गुट लियानन, शाम को मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती, देन यूज़ किया है, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेन वर्ब अपनी पोजीशन पे होना चाहिए, एंड पे नहीं जाएगा। देन माइंड ब्रूडर स्ट्योर्ट मिश फील, क्योंकि मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, डिस्टर्ब करता रहता है। नेक्स्ट है इश माके बाइम लियानन काइन पाउज इश ट्रिंकम फील काफे। नेक्स्ट है प्रिफुंगन बिनिश निश नर्वस, एग्ज़ाम के लिए मैं नर्वस नहीं हूँ, बिकॉज देन इश वाइजा लेस, क्योंकि मुझे सब आता है ना। काइन प्रिफुंगन फ्यूल इश मिश गुट और द श्लेस्ट वाइल दी प्रिफुंगन एंड लिश फॉर बाय, मीन्स एग्ज़ाम के बाद मैं फाइनली अच्छा फील कर रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम फाइनली एंड हो गए। तो याद रखना है कि देन का जब भी यूज़ करें तो हमारा मेन वर्ब अपनी जगह पे, और वाइल का यूज़ करें तो मेन वर्ब एंड पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पार्ट के अंदर हमें ये फिल करना है जोल्टेक, इसकी सही फॉर्म। तो इसको अगर फिल करने की बात करें तो हमें कैसे फिल करना होता है, डैश देगा, डैश के में पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है, जैसे यहाँ पर क्या इश है, तो इश के अकॉर्डिंग जोल्टे होता है, तो हमने ई एंडिंग के साथ लगा दी। नेक्स्ट यहाँ पर डू के साथ क्या, जोल्टेस्ट, ई एस टी एंडिंग आती है। नेक्स्ट है ईयर के साथ ई टी एंडिंग आती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आसपास हमें कुछ नहीं दिख रहा तो हम पूरी लाइन पढ़ेंगे, दी फ्रॉइंड आउस देयर लियाना ग्रुप, तो यहाँ पे क्या दी फ्रॉइंड है, इसके अंदर हम क्या प्लूरल बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या जोल्टन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मान है तो ही शीट का केस यूज होगा, इसलिए जोल्टा। नेक्स्ट यहाँ पे है दास वियर निश, तो वियर है, वियर के अकॉर्डिंग जोल्टन। नेक्स्ट यहाँ पे डू है, तो डू के अकॉर्डिंग जोल्टेस्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारा क्या ही शी इट है, तो जोल्ट। अब इसका मीनिंग समझते हैं, इस ईमेल का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आयरिस को एक मेल लिखा गया है, वो कह रहा है, जिसने मेल लिखा है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी लर्निंग प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता हूँ, बिकॉज ऐसा मेरे को भी कभी कभी फील होता है, इंग्लिश मीन्स सेम फील होना। इस टैंक के इस डॉल्ट दिए आइन पार फोन माइनर ट्रिक मेलन, मीन्स मेरे को लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी कुछ ट्रिक्स मेल करनी चाहिए। द जोल्टेस्ट ऑफ्टर मिश अंदर लियान डन फर्स्ट एड टू देन स्टॉफ फ्लाइट बेजर,
तुम जब भी पढ़ाई करो तो दूसरों के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हें वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ आए। और नेक्स्ट यहाँ पे यह एग्जॉल्टेड आइना लियान ग्रुप पर बिल्ड है, तुम्हें एक लर्निंग ग्रुप बनाना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हो। उंच ओएश रेगल मेजिगा ट्रेफन और उसके बाद में रेगुलरली मिलते रहना चाहिए। दी फ्रेंड हाउस द लियान ग्रुप पर जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे लर्निंग ग्रुप के अंदर एग्जॉल्टेड डिश उन्टर्ज्यूटसन और उन वो तुम्हें सपोर्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं या पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो मार्गदर्श लियाना में आस पास इससे जो है पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस शाबे फोन माइनर प्रूफिंग आइनस यू लॉगिन नाक टिप्स गे फ्रॉक्ट। मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स पूछी थी तो जाइनर रेट्सलेगर उन्होंने बताया, जाइनर रेट्सलेगर वारन जेयर इंतरसान जो उन्होंने एडवाइस थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मानजोल्ट फीलस हाउस प्रोबियरन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्राई करना चाहिए बार बार। देन जो म्याक्ट मान वी अम्बेस्टन लैंड उससे क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना समझ आया कितना तुम कर सकते। आउजर दे मीन्स बिसाइड्स वाई सेश नेस्ट दास वियरनेस जो स्पेट लियान एग्जॉल्टन और वैसे तो मेरे को पता है कि हमें लेट तक नहीं पढ़ना चाहिए। उन वेन डू दियर जाकन बेसर म्याकन विल एग्जॉल्टस डू जी आउश्राइबन ऑफ्ट विडो होलन और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छे से लर्न करना चाहते हो तब हो पाएगी जब तुम उसे लिखोगे और साथ में रिपीट करोगे। मन जोल्ट आउटलाइन एंड पाउजन माखन और तुम्हें टाइम टाइम पे छोटे छोटे पॉज लेने चाहिए बिकॉज जोन्स्ट कानमान इशनिश कॉन्सेंट्रियरन क्यों अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन का कंसंट्रेशन का टाइम स्पेंड 25 मिनट होता है। कोई भी 25 मिनट से ज़्यादा फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकता बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये कंसंट्रेशन 25 मिनट से बढ़ा भी सकते हैं। बट अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें जो बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ाई नहीं करता तो उसका 25 मिनट होता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो बीच में छोटे छोटे पॉज ले लेने चाहिए। आल्सो फील एयर फॉल्क उन फील अ ग्रूजा साथ में तुम्हें गुड लक एंड बेस्ट रिगार्ड्स। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट डिपार्ट के अंदर हमें ये रीड करना है एंड देन यहाँ पे कुछ एडवाइजेज हैं राच लेगा मीन्स एडवाइजेज हैं जिनके साथ हमें मैच करना है और कुछ एडवाइजेज नहीं लिखे तो वहाँ पे हमें एडवाइजेज भी लिखने हैं। पहला है इश कान मिया व्योटर स्लैश में आकर इसका मतलब यह है कि वर्ड्स लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसका एडवाइस क्या सी है। सी पार्ट श्राइबन जी दी व्योटर ऑफ कैचन उन विद ह्योलन जी दीज अ व्योटर मतलब कि कार्ड्स के ऊपर लिखो जो भी वर्ड्स है और उसके इनको रिपीट करो विद ह्योलन मीन्स रिपीट। क्यों नन दी कैचन इमा मिटनेमन ओद इन नियर सिमर आउ फेंगन तो यह है कि तुम कार्ड्स को कहीं भी साथ में लेके जा सकते हो या फिर अपने रूम में भी टांग सकते हो। नेक्स्ट है वेन इश लियान मुस बिन इश क्लाइश म्यूडा मीन्स जब भी मेरे को पढ़ाई करना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती हूँ तो डी पार्ट में इसका हम लिखेंगे तो इसका एडवाइस यह है कि रिजॉल्टन सू येस्ट एट वॉश पोट माखन और द स्पाथसियरन गेन मीन्स तुम्हें इसके लिए सबसे पहले या तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लेना चाहिए पढ़ाई करने से पहले या फिर थोड़ा बहुत स्पाथसियरन गेन या फिर वॉकिंग पे चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी तेज होगी और लेजीनेस थकावट थोड़ी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड इश कान मिशनिस्ट कॉन्जेंटियरन वाइल एस सू हाउसेस सू लाउटेस्ट मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है तो इसका ई पार्ट में एडवाइस है। हम क्या एडवाइस दे सकते हैं जी जोल्टन इन आइन बिब्लोथेक गेहन उन डॉट लर्न है मीन्स तुम्हें एक लाइब्रेरी में चले जाना चाहिए और वहाँ पे याद करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट फोर्थ देयर प्यूफोंग मुस इश सूफील लर्न है मीन्स एग्जाम के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा याद करना होगा तो इसका एडवाइस ये पार्ट है जी जोल्टन फ्यू मिट टिम लर्न बिगनन तुम्हें एग्ज़ाम से पहले ही याद करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कल है और एक दिन पहले शुरू कर रहे हो कुछ हफ्ते पहले से शुरू करो। मखन जी जी शान है साइट प्लान एक टाइम टेबल बनाओ नान शाफन जी अलस उसके बाद तुम सब कुछ कर सकते हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे माइनर फ्रेंड रूफन मिश टी कान से साइट एंड मीन्स मेरा फ्रेंड्स मेरे को पूरे टाइम कॉल करते रहते हैं तो इसका एफ पार्ट में एडवाइस है रिजॉल्टन दस टेलीफोन आउट शाल्टन वेन जी लानन मीन्स जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो या लर्न कर रहे हो तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट फोर येदर प्रूफोंग बिनिश टोटल नर्वस मीन्स हर एक एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ तो इसका आंसर बी पार्ट है सी
Sie müssen recht gut auf die Prüfung vorbereiten, dann haben Sie auch keine Angst. Denken Sie vor der Prüfung an positive Erlebnisse, das hilft. इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम है तो उससे पहले सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि इससे तुम्हें घबराहट कम होगी क्योंकि तुमने सब पढ़ रखा होगा। उसके बाद सोचो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एक्सपीरियंस जिससे तुम्हें अच्छा अच्छा लगे। तो ये हमारे एडवाइजेस ख़त्म हुए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्रॉस करने हैं कि तुम कैसे टाइप के स्टूडेंट हो इस सिचुएशन के अंदर। जैसे पहला है इन आइनिंगर वोकन हाबन जी प्रूफोंग, मीन्स अगले हफ्ते ही तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो तुम कैसे टाइप के स्टूडेंट हो। जी माकन आइन लियान प्लान उन लियान यादन तक, क्या तुम एक टाइम टेबल बना के उसके बाद हर दिन पढ़ाई करते हो, या फिर जी लेसन यादन टाग एट वर्स फ्योर दी प्रूफोंग आइन अ वोकर फॉर हेयर लियान जी टेग्लिशम, मीन्स तुम एग्ज़ाम के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो डेली, लेकिन जब एग्ज़ाम से पहले एक हफ्ता बचाओ तब तुम रेगुलर पढ़ना शुरू करते हो। नेक्स्ट है जी लियान रेगल मेजिगा, मीन्स तुम रेगुलरली पढ़ते हो। माल मेयर माल वनिशर, कभी ज़्यादा कभी कम लेकिन रेगुलर पढ़ते हो। तो इसमें ट्रिक क्रॉस लगाना है कि तुम हो किस टाइप के। सिमिलरली सेकेंड है ये फ्रेंड प्रेशन यूबर प्रूफोंग, तुम्हारे फ्रेंड ने एग्ज़ाम के बारे में तुमसे बात करनी शुरू कर दी तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है, इनमें से कौन से टाइप के हो। जी अर्थ सेलन वेल्श प्रूफोंगन बेजोंडर लाइट फ्यूजीवार, तुम उसे एक्सप्लेन करते हो कि कौन सा एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बहुत इजी है या एग्ज़ाम तो तुम्हारे चुटकियों का खेल है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है जी म्योस्टन स्नेल दास थेमा वेल्शन, तुम फटाफट से टॉपिक चेंज कर देते हो। दास गेश प्राक लंग वायलेट जी, या फिर तुम इस कन्वर्सेशन से बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करते हो, तो इसमें क्रॉस अपने अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पार्ट मॉगन हाबन जी आई नविस्टिगर प्रूफोंग, मीन्स कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो पहला है जी लेजन अम आबन नौ काइन माल देर स्टोफ टुर्क उन गेहन फ्रू श्लाफन, मीन्स तुम शाम को ही फटाफट एग्ज़ाम की जितनी भी चीज़ें हैं वो याद कर लेते हो और उसके बाद जल्दी टाइम पे सोने चले जाते हो क्योंकि कल एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है हॉइट इश्निस्ट मॉगन, मीन्स आज कल नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम तो कल है आज थोड़ी है। जी ट्रेफन हॉइट आबन, आज तुम अपने दोस्तों से मिलोगे शाम को उन फायन सुजामन एंड पार्टी करोगे और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है जी लियान बिश पेट इन दियर नाक्ट उन श्लाफन श्लश, मीन्स तुम पूरी रात पढ़ाई करोगे लेट तक और बहुत कम सोओगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है नाक्ट दे प्रूफोंग डंकन जी, एग्ज़ाम के बारे में तुम क्या सोचते हो। बेस्टिम ठाबे इश आई न श्लेष्ट नोट, मीन्स आई एम श्योर कि मेरे बुरे ही मार्क्स आएंगे। मालजेहन ओब इश आई न आइंस के शाफ ठाबा, मीन्स लेट सी क्या मेरे को ग्रेड वन मिलता है या नहीं, या फिर दी नोटन इज मियर आई इंग्लिश एगाल, मार्क्स से मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसके बारे में मैं नहीं सोचती। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमें ये रीड करना है कि तुम कैसे टाइप के स्टूडेंट एग्ज़ाम पे हो जाते हो, ईजी गोइंग या फिर टिपिकल नॉर्मल वाले या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिसनिंग स्किल का है, तो जिनके पास सी डी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इनको शॉर्ट करके लिखना है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे कोर्स बुक में भी दिया था इस चैप्टर के, चाहो तो आप वो भी एक बार समझ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं आगे उसको थोड़ा शॉर्टकट में समझा देती हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है योनास हाथ आइनन इंटरेस्ट एंड बेरूफ, मीन्स योनास के पास एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। सेकेंड हमने लिखा योनास प्रोफेशन इज इंटरेस्टेंट, मीन्स योनास का प्रोफेशन इंटरेस्टिंग है, तो मतलब बात यही है, कहने का तरीका अलग है। फर्स्ट में है कि योनास हैड अ इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, और नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि योनास प्रोफेशन इज इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि जब भी इसके अंदर सब्जेक्ट का एंड जेड एक्स या फिर एस से होए तो इसके अंदर हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, ये रहा साइन, और अगर इसके अलावा और कोई वर्ड से एंड हो रहा हो तो हम सिंपल एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एस से एंड था तो हमने अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया। नेक्स्ट है मार्लिने, तो इसके अंदर हमारा एंड जो है एस जेड या एक्स से नहीं हो रहा तो हमने क्या सिंपल एस लगा दिया। तो इसी तरह हमने थर्ड के अंदर किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सब में यही किया। सिक्स्थ के अंदर यहाँ पे गलती से अपोस्ट्रोफी का साइन लग गया, यहाँ पे टॉमीज होगा टी ओ डबल एम वाई एस।
तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम किस टाइम पे क्या करते हैं वो हमें सेंटेंस बना के लिखना है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे है, आप चाहो तो अपना कुछ लिख सकते हो या फिर सेम भी लिख सकते हो। तो पहला लेट्स वॉक हैव ए इश यू बफ योर स्टूडेंट स्टूडियर वाइल्ड इश आई ने प्रफुंग हाथ। इसका मतलब यह है कि पिछले हफ्ते मैंने 4 घंटे पढ़ाई की थी। क्यों? क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। पहली सेकेंड वन है अम जैम स्टाग हाबे इश पिस आख टूअर गे श्लाफन मीन सैटरडे को मैं 8 घंटे सोई। नेक्स्ट है फोर आइनम याक बे इश अन गे फांगन डॉय सुलियानन उदा। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे बन सकता है फोर आइनम यार वार इश इन देयर शूला गे लियांट। नेक्स्ट है यहाँ पे साइट फील अ वॉक बिन इश नेश्ट आउस के गांगन उदा साइट फीला वोखा लैंड पाउल गिटार स्पीलर। नेक्स्ट है अनमानशन टागन ऐसे इश पिज्जा। उसके नेक्स्ट है द्रा उन स्वांसिश हुआ यह इश लाफन या फिर एक और सेंटेंस बन सकता है द्रा उन स्वांसिश हुआ यह इश इंस बैट। नेक्स्ट है नाक तेम उन्ट्रिस्ट हबे इश नॉक आई नम उन्ट्रिस्ट मीन्स मेरी एक क्लास के बाद दूसरी क्लास भी होती है। अब नेक्स्ट है वो ख व्याडे इश पत्सियरन गेहन या फिर एक और सेंटेंस बन सकता है अब नेक्स्ट है वो ख गिफ्ट एस नोए सेमेस्टर उन्टरिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्केंसन सी यहाँ पे हमें टाइम से रिलेटेड प्रपोजिशंस फिल करने हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है यहाँ से देख के फिल करने हैं। स्वाया गा हाबे इश माइना हाउस बिल्डिंग आस होटल फाक फ्राव अब गेस्ट लोशन मीन्स 2 साल के लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी एज अ होटल मैनेजर। साइट सेश मुनातन अबाइटे इश यत सिया इम होटल और 6 महीने से मैं यहाँ पे इस होटल में काम कर रही हूँ। इश अबाइटे अंदर रिसेप्शन मीन्स मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे काम कर रही हूँ। दस इस तेज कुट दस इश जो फीलश प्राकश प्रशन मतलब ये काफ़ी अच्छा है कि मैं रिसेप्शन पे काम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। इशफांगे माइस्टन मीन्स मैं स्टार्ट करती हूँ मोस्टली जीबन हुआ अंधे आवाइट बिस सेशन हुआ मीन्स मैं सुबह 7 बजे शुरू करती हूँ और शाम के 4 बजे तक काम करती हूँ। दस इज ऊपर ये बहुत बढ़िया है। देन नाक दे आवाइटन गए इश ज्ञान नॉक सुम स्पोर्ट और काम के बाद मैं स्पोर्ट्स के लिए जाती हूँ। इश बिन ऑफ ट्यूबर स्वास्टूड इन फिटनेस स्टूडियो काफ़ी ऑफन 2 घंटे फिटनेस स्टूडियो जिम वगैरह जाती हूँ। अनमानशन टाग हबे इश आउक स्पेट सिस्ट और कभी कभार मेरी नाइट शिफ्ट भी होती है। डन अबाइटे इश फोन और जब मेरी नाइट शिफ्ट होती है तब मैं कब से काम करती हूँ शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक। दस फिंडे इश ने जो गुड और ये नाइट की शिफ्ट मेरे को इतनी नहीं पसंद। उसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन के अंदर है ये यहाँ पे टाइम टेबल है फ्राउ वेगल का और हमें पिक्चर देख के लाइन्स लिखनी है। तो ये रहा फ्राउ वेगले स्टेट आइन हुआ आउफ डन फ्रूस्टुक सी फोन स्वाय बिस हार्बन थ्राई या तो ये लिखेंगे या फिर लिखेंगे फोन फियत्सन हुआ बिस फियत्सन हुआ थ्राइसिश दोनों का मतलब एक ही है तो दोनों में से कोई एक लिखना है। नेक्स्ट आना कार्बाइटर जी यूबन नॉइन स्टूडेंट जी आबाइटेड बिस्नोल थ्राइसिश ओडर या तो बिस्नोल थ्राइसिश लिखेंगे या फिर लिखेंगे बिस हार्बाइंस आइन हुआ फ्याद सी मिट ऊ बा नक हाउजा नक फिया हुआ केद सी इंसपेट। उसके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैसे बेखूफ हार्ट फ्रॉ वेगलर मतलब तुम्हें क्या लगता है क्या बेरूफ यानी प्रोफेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ लाइंस है यहाँ पे देखते हैं इश क्लाउब है मतलब मैं सोचती हूँ फ्रॉ वेगले इश मिट अबाइटन बाई आइन अ हॉट लाइन कॉल सेंटर पर कोई काम करती है जी अवाइटेड नाक्ट वो रात को काम करती है फिलाई श्रूफन डॉट लॉयटर हाउस से कांसन वेल्टन मे भी हो सकता है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को कॉल पे बात करती है क्योंकि कॉल सेंटर पे यही काम होता है। इस टाइम के दास दी लॉयटर जी रूफन वेन जी आइन प्रॉब्लम है हाबन और मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग उसको तब कॉल करते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये हमने उसके प्रोफेशन के बारे में लिखा है 5 सेंटेंस। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 9 के अंदर कुछ हमें ये चीज़ें अंडरलाइन करनी है कि कहाँ पे पी टी और के की साउंड आ रही है कहाँ पे बी डी और जी की साउंड नहीं आ रही। तो जिनको ये करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं वैसे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स की मदद से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। अम फ्राइटाग गेट फ्राउ प्रोक अमाबन सुर बैंक उन्ड होल्ड गेल्ड, मीन्स फ्राइडे को फ्राउ बोर्ग शाम को बैंक जाती है और वहाँ से पैसे निकालते हैं। हेयर ब्रिक्स मार्क जाइनन जॉब, मीन्स मिस्टर ब्रिक्स है, उनको अपना जॉब काफ़ी अच्छा लगता है। फ्राउ प्रोग हट अम मॉन्टाग गेबूत स्टाउ उन एस केप्ट बाल्ट आइन अ पार्टी, इसका मतलब यह है कि फ्राउ ब्रॉक का बर्थडे है और इसलिए यहाँ पे एक पार्टी होने वाली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि मैनेजर ने बच्चों से कुछ नई चीज़ें लर्न करने के लिए एक सेमिनार रखा है, जिसके अंदर कि बच्चों को बुलाया जाएगा जो कि 12 से 16 साल के होंगे और इसके अंदर टोटल 21 मैनेजर्स होंगे, ये बैठ के सेमिनार करने वाले हैं, जिसके अंदर कि बच्चे क्रिएटिव तरीके से जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे और मैनेजर्स को सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कि मैनेजर्स बच्चों से सीख रहे हैं। क्यों ऐसा सेमिनार इन्होंने कंडक्ट करवाया? क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी और उनको उनका देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है बड़ों से, तो इसलिए ऐसा यूनिक सा सेमिनार हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और लास्ट के तीन हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, वो इज द सेमिनार, मीन्स सेमिनार कहाँ पे है। वेयर लर्नड फ्रॉम व्हेम, मीन्स कौन किससे लर्न करेगा, कौन किससे सीखेगा। वास लर्नन द लॉयटर, मीन्स लोग क्या है वहाँ पर लर्न करेंगे। वन गिफ्ट एस पाउजर, मीन्स वहाँ पर ब्रेक कब मिलेगा। वाकुम जिन डॉट किंडर, मीन्स यहाँ पे बच्चे क्यों आ रहे हैं। वी आर जिन द किंडर, बच्चों की एज क्या होगी जो यहाँ आने वाले हैं। वी फील अ मैनेजर जिन द, मीन्स कितने मैनेजर्स होने वाले हैं। वी लॉन्गे डाउट द सेमिनार, ये सेमिनार कितना लंबा रहेगा। वह सेशन द लॉयटर ऑफ देम सेमिनार, मीन्स सेमिनार के अंदर जो भी लोग होंगे उनको खाने को क्या मिलेगा। वे आर हाटे द ईडे, मीन्स ये आइडिया है किसका। वाज द सेमिनार गुड, क्या सेमिनार अच्छा था। वोलन जी सेमिनार टाइल नेमर नॉक आइन सेमिनार, मीन सेमिनार के बाद भी और कोई सेमिनार होगा या फिर ये एक ही है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखना है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है एंड देन हमें बताना है कि पीछे जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे उसमें से पैराग्राफ का कौन सा लाइन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे जीले वर्ड है, जीले मतलब होता है लाइंस, कौन सी लाइन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रही है। तो फ्रागे वन, यहाँ पे जो क्वेश्चन वन है उसका आंसर कौन सी लाइन दे रही है, लाइन 12 से लेके 13 तक। उसके बाद फ्रागे स्वाय, सेकेंड क्वेश्चन का कौन सी लाइन रिप्लाई कर रही है, 13 से 14। थर्ड क्वेश्चन का 14 से 20 लाइन। फोर्थ क्वेश्चन का कोई आंसर है नहीं यहाँ पे। क्या फिफ्थ क्वेश्चन का है, लाइन 14 से 21। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर 10 में है बस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लाइन 11 में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिफ्थ लाइन प्लस 11th लाइन दोनों में है और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसको आप एक बार खुद वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, इस पैराग्राफ में कोई डाउट हो पूछ सकते हो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ये ऊपर टेक्स्ट है वहाँ टेक्स्ट की मदद से ये फिल करना है। तो इसके अंदर है हेलो टाबिया, टाबिया को एक मेल लिखा गया है कि इशाबे आइना इंटरसांट टेक्स यूबर आइना मैनेजर सेमिनार के लेजर, मैंने एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट पढ़ा मैनेजर सेमिनार के अंदर। स्टेल डियर फोन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन देम सेमिनार लियान मैनेजर फोन किंडर, मीन सेमिनार के अंदर मैनेजर ने बच्चों से सीखा। दस योर जिश फेयर युक्त अनोदर, क्या ये थोड़ा क्रेजी सा नहीं लगता। द किंडर जिन स्वेशन ज्वेल्फ पिस जेशन याखा आल्ट उन अन देम जेमिना हाबन एंड उन स्वांसिश मैनेजर टाइल गे नोमन, मीन्स यहाँ पे टोटल में कितने मैनेजर ने पार्टिसिपेट किया था, 21 मैनेजर्स थे और 12 से 16 साल के बच्चे थे। द सेमिनार हाइट एंड वॉकन एंड द लॉन्ग डाउट, सेमिनार जो है पूरा एक वीक का था उन वार इन बर्लिन, और बर्लिन के अंदर था। वैसे ये अगर समझ लोगे तो ये रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि दोनों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट है द किंडर हबन मैनेजर गेस्पील्ट उन लियोजुंग
लियोजुंगन फ्यो एक्टे प्रॉब्लम गेफंड है, जो बच्चे थे उन्होंने मैनेजर मैनेजर खेला और उसके अंदर उन्होंने जो रियल प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ के दिया। दी मैनेजर हाबन गेलांट मैनेजर ने सीखा दाजमान प्रॉब्लम में जेयर क्रिएटिव ल्योजन कार, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। जी जिंद यश योफनर फ्योर नॉयर लेजुंगन ओडर ईडन, मीन्स अब मैनेजर जो है वो नए नए आइडियाज़ और नए नए सॉल्यूशंस के लिए रेडी है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है कि मैनेजर ने देखा कोई आइडिया है जो हट के है तो सुनना नहीं चाहते, जस्ट मना कर देते हैं। तो ये चीज़ ना करते हुए इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव सीखा कि अगर नए आइडियाज़ है तो हमें उसे सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दू कांस्ट या डायनम ओंकल माल फोन देयर जेमिनार एथ सालन देयर डॉग इथ आउट मैनेजर, इसका मतलब यह है कि तुम ये सब अपने तुम्हारे जो अंकल हैं वो भी एक मैनेजर है तो तुम उनको भी बताना, फील अ ग्रूज जोनी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर हमें ऑड वन आउट निकालना है। तो पहला इंफॉर्मेशनन मीन्स इंफॉर्मेशन, सामलन होता है कलेक्ट करना, रशन शियरन मतलब होता है कि रिसर्च करना, नेक्स्ट है जूखन मीन्स कोई चीज़ ढूंढना सर्च करना, माखन मीन्स टू डू। तो इसके अंदर माखन इंफॉर्मेशनन से रिलेटेड नहीं है तो ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट है बैरिस्टर, बैरिस्टर मीन्स होता है रिपोर्ट, तो यहाँ पे योखन मीन्स लिसन, प्रोबियरन मीन्स ट्राई करना, लेजन मीन्स रीड करना, श्राइबन मीन्स लिखना। तो इसके अंदर प्रोबियरन ऑड वन आउट है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इसके अंदर क्या क्या है, प्लानन मीन्स प्लान करना, बेश्रीबन मीन्स लिखना, लाखन मीन्स लाफ करना और माखन मीन्स करना। तो यहाँ पे लाखन जो है ऑड वन आउट है, क्योंकि लाखन मीन्स होता है लाफ और इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशनन, प्रेजेंटेशन तो इसके अंदर पहला हाल्टन मीन्स होल्ड करना, फोर बैराइटन मीन्स प्रिपेयर करना, एक्सप्रेशन मीन्स बोलना, ह्योखन मीन्स सुनना। तो प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सप्रेशन का कोई काम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टिश्योटर मीन्स कीवर्ड्स यानी हेडिंग्स, तो इसके अंदर है नोटियरन, सामलन, ऑर्डनन, ऑर्डनन मीन्स होता है ऑर्गेनाइज करना, सामलन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कलेक्ट करना, नोटियरन मीन्स नोट करना, लियोजन मीन्स सॉल्व करना। तो यहाँ पे लियोजन ऑड वन आउट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें ये ऊपर से देखना है एंड देन इसके अंदर फिल करना है। तो इसको मैं साथ के साथ पैराग्राफ रीड करते हुए समझा देती हूँ। लीबे कोलिगनन उन कोलिगन मीन्स डियर कोलीग एंड कोलीग, मेल फीमेल दोनों के लिए। फर्स्ट के अंदर बी पार्ट है इश म्योस्टे ओए शान प्रोजेक्ट फॉर टैलन, मैं तुम सबको एक प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। देन डी पार्ट है इश हबे दस प्रोजेक्ट ये वेल्ट, मैंने प्रोजेक्ट को चूज़ किया क्योंकि वाइल एस मियर गुड के फेल्ट उन वाइल एंड फ्रेंड फॉर मियर एक्टिव मिट मार्क, इसका मतलब यह है कि ये प्रोजेक्ट मेरे को काफ़ी पसंद है और मेरा एक फ्रेंड है वो भी इसके अंदर काफ़ी एक्टिवली चीज़ें कर रहा है। नुन वास इस दास के नाउ दास प्रोजेक्ट फॉर लेजर, वेल यही हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का हमारा नाम है फॉर लेजर मीन्स रीडर। उसके बाद यहाँ पे ई पार्ट है इश म्योस्टे इम फॉल फॉल गैंडन यूबर ड्राई विस्टिगर पुंक्टन एक्सप्रेशन, मैं तुम्हें जो भी यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको समझाना चाहूँगा। यास्टा फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, वी फंक्शन यर टास्क प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट हमारा क्या हम क्या करेगा। सेकंड पॉइंट स्वाइटन्स वागुम गिफ्ट इज अ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है किस लिए। उन रिटर्न और थर्ड पॉइंट है वॉज इज विस्टिज बाय दीजम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट है क्या। उसके फोर्थ है सुमयास्टा पॉइंट मीन्स फर्स्ट पॉइंट दास प्रोजेक्ट इज कांस एंड फाग, मीन्स प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूंगे लॉयटर लेजन जेन्योरन आइन ओदर स्वाई माल प्रोवोक आइन गैशिस्ट ओदर इन अ टेक्स्ट हाउस साइटूंग फोर, का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यंग पीपल और सीनियर सिटीजन्स है वो या तो एक बार या दो बार हर हफ्ते में रीड करते कहानी या फिर टेक्स्ट न्यूज़पेपर से, और इसकी मदद से क्या होगा ये कहीं भी जाते जाते अपना कभी भी रीडिंग कर सकते हैं। फॉर लेसर मीन्स रीडर हाइस्ट आल्टोनिस्ट, और ये नाम भी इतना बुरा नहीं है। द यूंगे उन्टर हाल्टन जी आल्टन
बाइडन साइटन व्यादन एक्टिव उन ह्योकन जी अंदर साइटन सू भी लोग है वो इसको सुन सकते हैं देन दूसरों को भी समझा सकते हैं। एफ पार्ट है फुलन दांग मीन्स थैंक यू सो मच किप टेस्ट नॉक फ्रागा कोई क्वेश्चन है अगर है तो पूछ सकते हैं। ये रहा ऊपर से इनको फिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी को सुनना है तो ह्योकन जी सुर कंट्रोलर ये लिसनिंग स्किल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन चल रहा है और इस प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ टिप्स लिखने हैं। तो पहला सेंटेंस है ए लिस्ट आलिस फॉर आइनम सेटल अप। सेकेंड है द प्रेजेंसियन फॉर ईयर यूबन न्यूअर स्टेस्ट पुंक्ट नोट यरन ए जी थी जू ह्योखर नेस्ट अन न्यूअर स्टेस्ट पुंक्ट आउट सेटल नोट यरन। थर्ड पॉइंट है एयर फर्लियर तीज जैटल एयर हार्ड सू फीलर जैटल नूअर दास विस्टिक्स्ट आउ फेनिश सेटल श्राइबर। फोर्थ पॉइंट है डी पावर पॉइंट प्रदर्शन इज फील सू क्लाइन वेनिशर इट्स मेयर दिस सू फील इंफॉर्मेशन आउफ आइन साइट श्राइबर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऊपर यहाँ पे एयर स्प्रेड सू लाइजा आउट अनडॉइटलिश प्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज के अंदर ये R1 क्वेश्चन है जिनको ये करना है वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया। अगर उसमें कोई डाउट लगे या आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डंकिशन चीयर्स।